दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ मौजूद हूं हरियाणा की एक ऐसी विधानसभा सीट को लेकर जिस पर कि चुनाव पाल, गोत्र और धर्म पर आधारित होता है। एक ऐसी विधानसभा सीट जहां पर कि इलेक्शन के यानी कि हर विधानसभा चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले कई बार तो स्थिति तनावग्रस्त भी हुआ करती है। एक ऐसी विधानसभा सीट कि जहाँ के चुनाव को यानी कि जो पूरी तरह से रूरल ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण विधानसभा सीट है और हर विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर जाति, धर्म और पाल गोत्र का नारा और मुद्दा उठा करता है। इस चुनाव में जब 2024 का चुनाव आने वाला है, बहुत नजदीक है, चुनाव दस्तक दे रहा है, इस चुनाव के अंदर भी यहाँ पर पाल गोत्र और जाति धर्म के नाम पर चुनाव की बात अभी से शुरू हो गई है। मैंने भी आपसे इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में कई बार बात की है और आपको बता दूं उस विधानसभा क्षेत्र का नाम है हथीन। हथीन विधानसभा क्षेत्र फरीदाबाद लोकसभा का एक हिस्सा, पलवल जिले की एक विधानसभा सीट हथीन विधानसभा सीट। ये ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर कि हर विधानसभा चुनाव में, अगर मैं आपसे कह रहा था गोत्र पाल की बात आती है, जाति की बात आती है, तो फिर यहां पर जाट समाज की और मेव मुस्लिम समाज की गोत्र और पाल पर चुनाव तुलता है। देखा जाता है कि अगर जाट बात आती है जाट समाज की, तो देखा जाता है कि कौन सी गोत्र और कौन सा पाल, यानी कि डागर पाल, रावत पाल, सहरावत पाल या फिर तेवतिया, इन तमाम पालों में से कौन सा प्रतिनिधि प्रत्याशी सामने आ रहा है। और अगर पाल और गोत्र की बात नहीं आती, तो फिर जब जाति और धर्म पर बात चलती है, तो फिर मेव मुस्लिम समाज भी यहां पर पूरी तरह प्रभावी है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं कि हथीन विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2,35,000 वोट हैं, जिसमें से कि अगर बात करें मेव मुस्लिम समाज की, तो लगभग 1,02,3,000 वोट यहां मेव मुस्लिम समाज के हैं और लगभग 1,30,31,000 वोट यहां पर हिंदू समाज के हैं। अगर इसको परसेंटेज के रेशियो में लिया जाए, तो फिर इस परसेंटेज के अंदर आता है कि लगभग 42% यहाँ पर मेव मुस्लिम मतदाता है, तो फिर 58% यहाँ पर हिंदू मतदाता है। अगर हिंदू मतदाताओं को बांटें, तो फिर यहाँ पर जाट और अदर कास्ट यानी कि ब्राह्मण उसके अंदर, गुजर, राजपूत उसके अंदर, यादव, पंजाबी, बनिया, एससी, दलित, बीसी, ये सबको में लिखें, अगर उसमें बांटें हिंदू समाज को, यानी कि जो 1,32,33,000 वोट जो बनती हैं, उसमें से अगर देखें, तो फिर आधा हिस्सा जाट समाज का और आधा हिस्सा गैर जाट समाज का। और अगर मेव मुस्लिम में बांट करके चलें, जिस पर कि बहुत कम बात हुई और आपसे मैं विस्तृत बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में मैं किस मुद्दे को लेकर हूं, अगर मेव मुस्लिम समाज की बात आती है, तो फिर यहां पर लगभग जो 1,02,000 वोट जो मेव मुस्लिम समाज की हैं, मुस्लिम समाज की हैं, उसके अंदर आधा वोट लगभग 48% वोट लगभग बीसी मेव का आता है, यानी कि मेव समाज के अंदर बैकवर्ड क्लासेस का, जिसके अंदर सक्का है, तेली है, नाई है, लोहार है, फकीर है, ये तमाम कास्ट आती है मेव मुस्लिम समाज की। अगर मैं आपसे बात करता चलूं कि हर चुनाव में बात उठती है, तो हथीन विधानसभा के चुनाव में हर चुनाव में जो मुख्य मुकाबला हुआ करता है, वो हिंदू समाज के किसी बड़े नेता और मुस्लिम समाज के किसी बड़े नेता के बीच टक्कर रहा करती है। अधिकांशतः चुनाव यहां कांटे का होता है और इस विधानसभा क्षेत्र में जहां पर मैंने आपको बताया, तो अगर चुनाव जीतने का रेशियो देखा जाए, तो ज्यादातर यहां पर वैसे चुनाव तो हिंदू समाज के लोग जीते, लेकिन हर चुनाव के अंदर मेव मुस्लिम समाज की भी दावेदारी उतनी ही पुख्ता रही। अगर हिंदू समाज के लोगों में चुने हुए नेताओं में आप नाम गिने, तो उनके अंदर नाम आ जाते हैं चौधरी हर्ष कुमार का, भगवान साय रावत का, हेमराज सहरावत का, रामजी लाल डागर का, देवी सिंह तेवतिया का, ये तमाम नाम है, के आर सिंह रावत का, आजकल प्रवीण डागर हैं, ये तमाम नाम है। और अगर मेव मुस्लिम समाज के चुने हुए जनप्रतिनिधि की बात आए, तो यहां से केवल दो बार केवल मेव मुस्लिम समाज के नेता चुनाव जीते। एक तो चुनाव जीते यहां पर चौधरी जलेब खान, 2009 में हुड्डा सरकार के अंदर संसदीय सचिव रहे, और एक यहां पर चुनाव जीते चौधरी अजमत खान 1991 में।
मैं आपको एक बात और बता दूं कि हथीन विधानसभा चुनाव की एक बार गिनती हाईकोर्ट में भी हुई थी। वाकया 1982 का था। 1982 के चुनाव में मतगणना के अंदर मास्टर अजमत खां को विजयी घोषित कर दिया गया था। चौधरी भजन लाल के वो समर्थक थे। चौधरी भजन लाल की सरकार बनी थी। चौधरी भजन लाल के समर्थक होने के चलते उनको घोषित कर दिया गया। वो मतगणना बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर दोबारा हुई हाईकोर्ट की निगरानी में, और उस गिनती के अंदर जब मतगणना दोबारा हुई तो यहाँ पर चौधरी चरण सिंह के प्रत्याशी चुनाव जीते हुए डिक्लेयर हुए, चौधरी खिल्लन सिंह, और मास्टर अजमत खां पहुंच गए तीसरे नंबर पर, जिन्हें जीता हुआ डिक्लेयर किया गया था। ये इतिहास की बातें हैं। और अब आपके साथ आते हैं वर्तमान पे। इस चुनाव के अंदर बहुत तेजी से एक बात चल रही है कि अब की बार भी मेव मुस्लिम समाज के नेता का और हिंदू समाज के नेता का मुकाबला होगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का। लेकिन यहाँ पर तिकोनी टक्कर देने के लिए इनेलो नेता भी हैं, और मुकाबले को कड़ा यूं माना जा रहा है क्योंकि विधानसभा जो अभी हाल ही में जो लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 का, तो इसी हथीन विधानसभा क्षेत्र से, इसी हथीन से भारतीय जनता पार्टी के कृष्णपाल गुर्जर 51,000 वोट से पीछे रहे। इसलिए यहाँ पर कांग्रेस के नेता बड़ा दम ठोक रहे हैं, और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर संभावित प्रत्याशी हैं वो है मोहम्मद इजराइल। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर तिकोना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का भी कुछ तय नहीं कह सकते। प्रवीण डागर आजकल विधायक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक बात चल रही है चेहरे मोहरे बदलने की। अगली वीडियो में फरीदाबाद लोकसभा की जब चर्चा करूंगा कैंडिडेट्स की, तो विस्तार से बात हथीन के बीजेपी की बात करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में कि इस चुनाव में मेव मुस्लिम समाज का दावा कितना मजबूत होगा। तो आप मान करके चलें कि मेव मुस्लिम समाज के कांग्रेस से जो संभावित प्रत्याशी हैं वो हैं मोहम्मद इजराइल, और यहां पर जो इंडियन नेशनल लोकदल के जो संभावित प्रत्याशी हैं वो हैं तैयब हुसैन भीमसिका। 2014 में भी और 2019 में भी इनके मुकाबले हुए हैं। 2014 के चुनाव में मुकाबले में जलेब खां थे, तो अब 2019 के चुनाव में मुकाबले में मोहम्मद इजराइल थे। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं कि हथीन विधानसभा क्षेत्र के अंदर जैसा दिख रहा है कि मेव मुस्लिम समाज के ये दो नेता हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर एक आहट ऐसी सुनाई दे रही है कि कोई और प्रत्याशी भी तैयार हो रहा है मेव मुस्लिम समाज का। और इस चुनाव के अंदर मेव मुस्लिम समाज के मतों के अंदर बड़ा बंटवारा भी हो सकता है। जो कहा जाता है मेव और मुस्लिम समाज की बात जो की जाती है, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको यहां पे एक बात जरूर बताता चलूं। मैंने आपको बताया था कि 1,02,000 के आसपास वोट है मेव मुस्लिम समाज के। अगर इनको हम रेशियो बांटें कि कौन से कास्ट वाइज क्या बनता है, पाल का क्या बनता है, गोत्र का क्या बनता है, क्योंकि अगर हिंदू समाज की पाल गोत्र है तो फिर पाल गोत्र और जातिगत समाज मेव मुस्लिम समाज का भी है। मुझे कई बड़े मेव जो यहाँ के चौधरी हैं ठोंडा नेताओं के फोन भी आए और बताया कि इस प्रकार का समीकरण यहाँ पर है। वो आपसे मैं जिक्र करूं तो अगर हम जिक्र करें मेव मुस्लिम समाज का, तो यहां पर जो 1,02,000 वोट मैं आपको बता रहा हूं, इसके अंदर जो बीसी वोट बताऊं आपको, लगभग 50,000 के आसपास आधा वोट, 48-50,000 वोट, आधा वोट यहां पर मेव मुस्लिम समाज में बीसी का आता है। सक्का इनके लगभग 18-20,000 वोट हैं। इसके बाद दूसरी कास्ट आती है बीसीज में मियां, जिनको फकीर भी कहते हैं, उनकी 18-19,000 वोट आती हैं। अलविया समाज कहा जाता है इसको। इसके बाद आती है यहां पर तेली समाज भी बीसी समाज में है और बड़ा माना जाता है मेव मुस्लिम में, लगभग 4500-4600 वोट इनकी भी हैं। नाई समाज की भी वोट है लगभग 4500-4600, लोहार समाज की वोट है लगभग 1400-1500। इसके बाद यहाँ पर शेख रोहिंग्या कुछ ये भी वोट आती हैं लगभग 1000-1200। इन सबको अगर जोड़ लिया जाए तो लगभग 48-50,000 वोट बनते हैं। ये मेव मुस्लिम समाज में बीसी वोटर है, और अब की बार ये समाज भी अंगड़ाई ले रहा है, मेव मुस्लिम समाज का जो बीसी कैटेगरी में आता है, पिछड़े की कैटेगरी में आता है। और इनके वोट मैं आपको बता दूं कि जो मेव मुस्लिम समाज के गाँव बसे हुए हैं, हर गाँव में इनके वोट हैं, हर गांव में आपको इनके वोट मिलेंगे।
और इस समाज के दो नेता तो मैंने आपको बता दिए थे, मोहम्मद इजराइल कांग्रेस से संभावित हैं, इंडियन नेशनल लोकदल से संभावित तैयब हुसैन भीमसिका हैं, तो साबिर खान जिनकी धर्मपत्नी जिला परिषद की सदस्य है कांग्रेस के अंदर हैं, कुमारी शैलजा गुट से आते हैं, कहीं ना कहीं अरमान तो उनके भी हैं अब की बार चुनाव लड़ने के, कि अगर मौका लगे तो चुनाव लड़ें। और राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि जो मैंने आपको बताया कि मेव मुस्लिम समाज के अंदर जो बीसी समाज है, पिछड़ा समाज है, अंगड़ाई ले रहा है अब की बार ये भी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर हथीन का विधानसभा चुनाव, मैं आपको बता दूं कि बहुत रोचक हो जाएगा, हथीन का विधानसभा चुनाव बहुत इंटरेस्टेड हो जाएगा और इस पर पूरे प्रदेश की निगाहें रहेंगी। और इसके साथ साथ जो ये बात चल रही है, ये बात, ये लड़ाई और गंभीर गहरी हो जाएगी। मैं आपको ये जरूर बताता चलूं कि जो मेव मुस्लिम समाज के, मैंने आपको जाट समाज की कई बार बात की है, रावत पाल, डागर पाल, सहरावत पाल, ये तमाम बात की है। अगर हथीन में अब मेव मुस्लिम समाज की बात करें तो इनके कौन से पाल आते हैं, तो आप इन्हें माने कि कुछ गांव के नाम पे पाल बनी हुई हैं। रूपड़िया पाल यहां पर मुख्य है, कोटिया पाल, मंगेरिया पाल, उटावड़िया पाल, सुमहेड़िया पाल, डागबाल पाल, ये तमाम यहां की पाल हैं, डोमरोत पाल, ये सब आती हैं इसके अंदर। और अगर इसमें भी माने तो जो दो बड़े नाम जो मैंने आपको बताया, मोहम्मद इजराइल का, लंबे चलेंगे तो बड़ी वीडियो हो जाएगी, मोहम्मद इजराइल की जो पाल आती है वो कोटिया पाल है, उसके अंदर कोट, मीठाखा, रजपुरा, जलालपुर, ये तमाम गांव उसके अंदर आते हैं। लगभग 10,000 से 11,000 वोट इन गांवों के अंदर हैं। और अब की बार मोहम्मद इजराइल के लिए एक जो, हालांकि उनके हौसले बुलंद हैं, कांग्रेस की तरफ से उनको उम्मीद है टिकट मिल सकती है, लेकिन जो एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि इस चुनाव में पहला चुनाव था जबकि मोहम्मद इजराइल अपने गांव के अंदर उनके जो परिवार के लोग थे सरपंची के मुकाबले में पिछड़ गए। अब अगला नाम आपसे ले लूं मैं तो तैयब हुसैन भीमसिका का नाम आता है। तैयब हुसैन भीमसिका 2014-2019 चुनाव बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे और दोनों चुनावों में उन्होंने ठीक ठाक वोट लिया। अब अगर आप अगली बात करें तो अगली बार की उनकी तैयारी है, इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो चुके हैं, आजकल अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तैयब हुसैन की भीमसिका की जो पाल आती है वो रूपड़िया पाल है और रूपड़िया पाल के अंदर 22,000-23,000 वोट लगभग आते हैं। इसके अंदर रूपड़ा का, मलाई, चिल्ली, भीमसिका, धीरन की, कुकरचाटी, पहाड़पुर, ये तमाम गांव आते हैं। इन गांवों के अंदर लगभग 24,000-25,000 वोट बताए जाते हैं, 23,000 से 25,000 वोट लगभग इनके अंदर होंगे। और तैयब हुसैन भीमसिका की भी दावेदारी मजबूत है, लेकिन भीमसिका के लिए भी एक ड्रॉबैक है कि इंडियन नेशनल लोकदल का वो प्रभाव अभी नहीं बन पा रहा, हालांकि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन की बात भी चल रही है। कितने प्रभावी होंगे तैयब हुसैन भीमसिका, ये तभी सामने आएगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि जितनी आसान डगर दिख रही है मेव मुस्लिम समाज को, जितनी आसान डगर आंकी जा रही है वो है नहीं। ये दो कैंडिडेट तो हैं, तीसरे साबिर खान जो जिला परिषद की सदस्य जिनकी धर्मपत्नी है, उनकी जो गांव पाल है, और मैं बता दूं आपको कि वो बीसी समाज से आते हैं, मेव मुस्लिम में बीसी समाज का प्रतिनिधित्व वो करते हैं, और उनकी जो पाल है वो सुमहेड़िया पाल है। इसके अंदर लड़माकी और बाबूपुर, मठेपुर, छायसा, रणसिका, ये तमाम गांव हैं इसके अंदर, 12-13 गांव आते हैं और इसके अंदर भी लगभग 18-20,000 के आसपास वोट इन गांवों में भी हैं। और मैंने आपको वैसे बता दिया कि इनके जो, यानी कि जो बीसी वोटर है, ये हथीन के तमाम गांवों के जो मेव मुस्लिम समाज के गांव है उनमें फैला हुआ है। और अगर दोस्तों ऐसा ही होता है जो बात चल रही है कि अगर मेव मुस्लिम समाज का कोई तीसरा प्रतिनिधि या तीसरा नेता भी तैयार होता है, तो फिर एक तो वो जो डगर मैंने कहा है वो इतनी आसान नहीं रहेगी, वो मुश्किल हो जाएगी, और दूसरा ये होगा कि हथीन का विधानसभा चुनाव बहुत इंटरेस्टेड हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का क्या हो सकता है, हिंदू समाज के कितने नेता चुनाव मैदान में कूदने की तैयारी कर रहे हैं, और फाइनल हथीन का क्या होगा, इस पर किसी अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेव मुस्लिम समाज के नेताओं के लिए एक एक कदम फूंक फूंक कर और सोच समझ कर रखने का होगा। और जो दावा है कि हालांकि आज तक दो ही विधायक बने, अगले चुनाव में क्या होगा ये तय तो क्षेत्र की जनता करेगी, जब मतदान होगा, चुनाव होगा, तो तय तो तब होगा। लेकिन ये जरूर है कि डगर किसी भी नेता कैंडिडेट की आसान नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है कि हथीन के अंदर अब की बार दावेदारी किसकी मजबूत होगी? आपको क्या लगता है कि अगर हथीन के जो दो नेता मैंने मेव मुस्लिम बताए, इसराइल और तैयब हुसैन भीमसिका, अगर इनके बीच में
में मुस्लिम समाज का कोई बीसी कैंडिडेट आया तो फिर चुनाव कितना रोचक हो सकता है, और आपको क्या लगता है कि अब की बार के चुनाव में परिणाम किस प्रकार के रहेंगे, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।